समाचार। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां मध्य प्रदेश में आज स्वास्थ्य मंत्री संविदा कर्मचारियों की हड़ताल है। सेना को राजनीति से दूर रखना। ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया सरकार खत्म कर रही है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, भाजपा भी यही कह रही है कि बड़ा करप्शन होगा। देखिए, मुख्य बात बस्तर के लिए है, नक्सल क्षेत्र के लिए है, जहां वो मैनुअल टेंडर किया जाएगा और छोटे टुकड़ों में किया जा रहा है। 50 लाख तक के काम वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है। उसका मुख्य कारण ये है कि वहां टेंडर तो ले लेते हैं लेकिन काम करते नहीं, नंबर एक। नंबर दो, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले? आखिर बस्तर के नौजवानों को आप रोजगार नहीं देंगे, पढ़े लिख के तैयार हो गए, सबको नौकरी मिल नहीं सकती। लेकिन यदि कोई काम करना चाहे तो उनके पास कोई इतना पैसा तो रहता नहीं कि वो बड़े बड़े ठेका ले सके, इसलिए ठेका को छोटा किया जा रहा है और वहीं के लोगों को मिल सके, बस्तर और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वहां दिया जा सके, इसलिए किया गया है। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं करना चाहिए। आकांड में जो मैं कमीशन खो लोग हैं खुद स्वीकार कर चुके हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी? कोर्ट ने जबरदस्त वोटिंग की है, कितना आपका शेयर रहेगा, कितना देर से जीतेगा? चित्रकूट हम अच्छे वोटर जीतेंगे। दीपावली के बाद में वो लोग भी पदयात्रा करेंगे, गांव गांव में प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि सरकार का ये फेलियर है। क्या लगता है कि निकाय चुनाव को लेकर इनकी पूरी तैयारी है, इससे फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी गांधी को अपनाए, मैं तो पहले ही स्वागत किया, अच्छी बात है, गांधी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो गोडसे के खिलाफ तो बोले, गोडसे मुर्दाबाद तो कहे, तो दिल में गोडसे या मुंह में गांधी ये नहीं चलेगा। और इस चीज को, ये दोहरी जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी को, सब जान चुके हैं। अभी एक दिन दो दिन की बात है, कल के और परसों रिजल्ट आ जाएगा, इंतजार कर। किसान इससे नाराजगी का बयान आया है कि अब कोई कर्ज माफी नहीं होगी। किसान कर्ज माफ तो हो चुका है ना, वन टाइम। अरे अभी एक ही बार की बात बोले ना, हर साल के थोड़ी बोले थे, धान खरीदी हर साल करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में हम धान खरीदेंगे, लेकिन कर्ज माफी हो एक बार के लिए था। थैंक यू जी। हाँ, कोशिश यही है कि सोनिया जी से मुलाकात हो और एक तारीख के लिए निमंत्रण, जो राजस्व है उसके लिए निमंत्रण दें। दल बदल कानून के लिए? अरे पूछ लिया तो पीछे रह गए थे, अचानक से याद भी आ गया। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड के दौरा करने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे और मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने तमाम सारी बातें की कि किस तरीके से उनके ये दौरे रहने वाले हैं। और साथ ही उन्होंने बताया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि किसान को जो कर्जा माफ किए जाने की घोषणा उनके मंत्री द्वारा की गई है कि अब नहीं होगा, उस पर भी उन्होंने मीडिया को उस पर जवाब दिया। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ रूपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। रूपेश, जैसा कि मीडिया से खास बातचीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की अपने दौरे से पहले, क्या बातें उन्होंने कही? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि वो क्यों जा रहे हैं। वो कानपुर जा रहे हैं और उसके अलावा वो झारखंड जा रहे हैं। झारखंड में दो कार्यक्रमों का जिक्र उन्होंने किया, इसके अलावा कानपुर जाएंगे। कानपुर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गणेश शंकर विद्यार्थी को लेकर के कार्यक्रम है। वो गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए अपने जान निछावर कर दिए और जो कट्टर पंथ से लगातार ताउम्र लड़ते रहे, जो हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे और उसी के लिए उन्होंने जान गंवाई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान वहां से निकल कर आने की उम्मीद है। और जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की इकाई एक साफ विभाजन लकीर खींचना चाहती है, भाजपा को गोडसे के खाने में खड़ा करना चाहती है और खुद को गांधी के खाने में, वो उसी के कवायद का एक हिस्सा माना जा सकता है। आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि दिल में गोडसे और जबान पर गांधी,
ये नहीं चलेगा, आपको गोरसो मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे, तो ये भी एक स्पष्ट संकेत है कि दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस और यहाँ की सरकार की लाइन क्या है। इसके अलावा एक तारीख को जो राज्योत्सव होने जा रहा है उसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर सोनिया गांधी को निमंत्रित दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, इसकी जानकारी उन्होंने दी। और इसके अलावा जो कर्ज माफी को लेकर के कवासी लखमा के बयान पर कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उस पर उन्होंने साफ किया कि कर्ज माफी दरअसल एक बार के लिए होती है, हर साल कर्ज माफी नहीं होती। तो अपने तीनों ही राज्यों के दौरे पे निकलने से पहले मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने तमाम सारी बातचीतें की, वो हमने लाइव दिखाया और आपने विस्तार से समझाया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रूपेश और चलिए इसी बीच